एक्चुअली इससे हम लोग हैम्पर्स बाहर से भी बनवा सकते थे yes. और हम लोग को इतना हेक्टिक नहीं होता चीजें, पर हम लोग ने क्यों अपने हाथ से बनाने के लिए करी? क्योंकि हमारा पहला बेबी है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का ज्ञान की लोग जो कहीं छोटी सी दुनिया में। तो मैं जितनी ताकत हो सकती है गाइस मैं उतनी ताकत लगा के बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतना शोर है और मेरे को ये शोर बहुत दिनों से मैं मिस कर रही थी। निशानी जोहान को छोड़ के आ गई नीचे। मैं जोहान को छोड़ के नीचे नहीं आई गाइस, मैं आप लोगों को थोड़े टाइम में बताती हूँ कि हम लोग क्यों नीचे आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पहुँच के बताओ। गाइज आप लोग गेस कीजिए कि हम लोग कहाँ आ गए हैं, हमेशा की तरह सेकंड टाइम पर आए जहाँ से हम लोग एंकर बनाने की शुरुआत किए थे। तो गाइज ये है मार्केट जो कि आई गेस अभी थोड़े थोड़े टाइम में बंद होने वाला है। हम लोग बहुत लेट आ गए सुफियान, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हें कब से टाइम पास कर रहे हो? मैं टाइम पास नहीं कर रही थी, मैं बेबी को दूध खिला रही थी, समझे ना। तो गाइज दुकान पे पहुँच गए हैं हम लोग। तो गाइज हम लोग ने ये बॉक्स चूज किए हैं, बट ये मुझे ऐसा लगता है सुफियान बहुत छोटा है। तुमको क्या इसमें खजाना थोड़ी भरना है? खजाना नहीं, बट उसमें बहुत सारी चीजें भरना है। तुम डिसाइड करो कि तुम्हारे को उसमें रखना क्या क्या। मुझे एटलीस्ट इतना विड्थ चाहिए इसका, उसकी हाइट। हाँ तो वही मजा आएगी। ये वाला कलर में नहीं है? नहीं, ये वाले में ब्लू कलर नहीं है। चलो ठीक है। तो गाइज अनफॉर्चुनेटली जो चीज हमें चाहिए थी वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही है। तो हम लोग देख रहे हैं दो दुकान, वेराइटीज चेक कर रहे हैं, जो दुकान में हमको रीजनेबल और अच्छा मिलेगा, जो हमारे बजट में भी होगा हम वही लेंगे। चॉइस भी मिलना चाहिए ना, वैसे सेम टू सेम। और एक्चुअली जो अच्छा लग रहा है वो अवेलेबल नहीं है ऑन द स्पॉट, और जो नहीं अच्छा लग रहा है वो सब अवेलेबल है, वो भी बात है। तो गाइज अभी हम लोग दूसरी शॉप पर आ गए हैं। नहीं ये वाला नहीं, ब्लू में। अरे ये वाला ये मस्त लग रहा है यार। टेन, कौन सा लू। तो गाइज मुझे ये भी बहुत प्यारा लगा, क्योंकि इसके अंदर डब्बा है जो कि मेरा कॉस्ट थोड़ा बढ़ा देगा। सो गाइज फाइनली मुझे पार्किंग मिल चुकी है और मैं आ गया अंदर। फिलहाल गाइज हम लोगों को ये पसंद आया है। कहाँ गया नीता, कौन सा पसंद आया था अपने को? गोल वाला था। गोल वाला ना, ये एक ऐसे में गर्ल पीछे होगा मतलब। तो अभी लेट्स डिसाइड के 50 पीस हमें कितने लिए, 50 लोगों को देना है गाइज, बहुत ज्यादा हमारे फैमिली में लोग है, खर्चा ज्यादा हो जाता है। तो चलो ले लेते फिर वही वाला, और क्या ये वाला, बट इसमें बड़ा ले रहे हैं। ठीक है, ये एक है, इसमें नहीं ले रहे, वो वाले में ले ले, इट्स अ बॉय। ये अच्छा लग रहा है ना, लिटिल मैन। हाँ तो ये ले लो, baby, ये ले लो। तो गाइस डब्बे के साथ हम लोगों को चाहिए ये भी, ताकि अंदर भरे तो ताकि अच्छा लगे। और क्या पोटलियाँ चाहिए ना अपने को, कौन सी पोटली चाहिए? ब्लू क्या क्या रहेगा, क्या रखना है तुमको? ड्राई फ्रूट रखना है तुमको उसके अंदर? चलो तो डिसाइड कर लेंगे ना अपन किसमें क्या रखना है। देखो आगे रख के देख लो, अभी ये साइज का डब्बा छोटी हो जाएगी पोटलियाँ, तो यही लेनी पड़ेगी ये वाली। हाँ तो ये ले लो। तो गाइस हम लोगों ने बॉक्स वगैरह सब ले लिए और हम लोगों ने सोचे है कि हमारी फैमिली के लिए हम लोग कुछ अलग से करें। तो निदा बोल रही है कि इसको लेते हम लोग, इसको डेकोरेट करेंगे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ताकि फैमिली को थोड़ा अलग स्पेशल फील हो। कहाँ चले गई, क्या देख रहे हो अभी? और ये बॉक्स क्यों? मैं सोच रही हूँ ये बॉक्सेस। अबे साहब निदा होलसेल में 50-50 पीस खरीदना पड़ता है, पागल, सिंगल सिंगल नहीं मिलता है। तो डब्बे कहाँ मिलेंगे फिर अपने को? जार्स अपने को कांच के लेने पड़ेंगे। हाँ वो ढूंढना पड़ेगा बाहर के मार्केट में, तो वैसे भी उतना लेट निकले ना कुछ मिलेगा भी नहीं अपने को। निदा मेरे को लग रहा है 3 ब्लॉक लगेंगे इस हैम्पर बनाने के लिए अपने को। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने सारा सामान ले लिए और यहाँ पर जो कैसा जा रहे लोग पूरा सामान लेकर डब्बों का 50-50, 100-100 डब्बे। चलो संभाल के जाओ, मैं पहुँचता हूँ, चलो अल्लाह हाफिज़। वाह कितना सारा सामान, पहले तो अम्मी अब्बा लेके चले गए और अभी और भी सामान है और भी लेना है जो हमारे बजट के बहुत आगे चला गया है। इतना तो लोग शादियों में भी खर्चा नहीं करते, इतना हम बच्चे के खुशी में। तो पहला बेबी है ना, तुम ऐसा करोगे दूसरे बेबी में मत करना। दूसरे बेबी नहीं करेंगे, नहीं नहीं सारे बेबीज में करेंगे। शट अप। यहाँ से हम लोग खरीद रहे हैं जार फॉर मॉम डैड के हैम्पर के लिए। क्या करेंगे बताओ, नहीं फ्लास्क ले लेगा बड़ा वाला। हाँ मैं मतलब मच्छी का बाउल लेते, मच्छी दे देते एक साथ में सबको, मच्छी देंगे सबके साथ में। अरे वाह तुम्हारे घर में मच्छी कम नहीं है सबको, मतलब हैम्पर बना। मैं तो सोचू एक वो लेते पीने का सिपर, क्यूट लगेगा ना, एक एक सिपर्स लेते हैं। चलो देखते हैं। तो गाइज हम लोग ने लिए है कुछ, तो एक अच्छी चीज दिखाना है। दिखा दो। तो गाइज सुफियान को यहाँ पर एक बॉटल गया भाई, वो बॉटल दिखाना भैया, इज टू बिजी, जान दो उसको, कमाने दो। मैं सोचा नीता बोलने घर पे सबको ये मग का सेट दे दो 1500 रुपए, 3 लेने पड़े। कैंसल ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी। हाँ भैया वो जरा दिखाओ बॉटल मेरे को। तो गाइस हम लोग ये बॉटल भी डाल रहे हैं, अच्छी लगेगी साथ में, घर वाले क्या पियेंगे ना इसके अंदर, दुआई देंगे अपने को। अच्छा जमजम पानी पियेंगे इसके अंदर अपन। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि टेडी बेयर भी डालेंगे घर वालों के हैम्पर में, टेडी बेयर छोटे छोटे मिल रहे। देख क्या, यहाँ पे टेडी बेयर की दुकान है। अरे
लेट्स सी हमको छोटा टेडी बेयर मिलता है कि नहीं। तो गाइज हम लोग का यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम पास हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे वो बॉटल नहीं आई है जिसको चाहिए थी। और जोहान भी घर पे अकेला है। हाँ जोहान अकेला है, कोई नहीं, जोहान इज स्लीपिंग। मैंने अपडेट ले रही हूँ जोहान की, और उसके साथ साथ अभी मुझे पता चला कि सामने ही किचन की दुकान है, तो मैं सोच रही कि मैं जाकर आती हूँ। ओके सो बाय बाय। अनफॉर्चुनेटली गाइज एंड सूफी मुझे नहीं मिला, वो थोड़ा एक भी कलर ब्लू नहीं है इसमें। तो कौन से कलर दिए? ग्रीन येलो ब्राउन, ग्रीन येलो ब्राउन ही है। अरे यार ब्लू कलर नहीं है। अभी क्या करना है? अभी लेना ही पड़ेगा ये। ठीक है तो ब्राउन ले लो, ब्राउन। और पैसे कम कर, हमको जो कलर नहीं मिला भैया, हमको ये कलर नहीं चाहिए, हमको दूसरा चाहिए, अभी प्राइस कम करो। ब्राउन वाला बताओ, ब्राउन वाले में ऊपर का। गाइस मैंने दोपहर के खाने के बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाई हूँ, तो अभी हम लोग आए हैं दही पूरी खाने के लिए। क्या है मेरी दही पूरी? हो पकड़ो ना, खाते बैठे हो, गीला हो रहा है वो। अच्छा सो गाइस ये टेडी बेयर देख के मुझे मेरे टेडी बेयर की याद आ गई। अबे नहीं तो ऐसा उल्टे हाथ का लाफा दूंगा ना तुम्हारे को। अरे यार मैं जोहान की बात कर रही हूँ। वो निदा रहन दो, इसने ना गाइस इतना बड़ा टेडी बेयर ली थी पिछले बर्थडे में, बोली थी कि मैं टेडी बेयर से खेलूंगी। कसम खुदा की बोल रहा हूँ गाइस, उसको ना लोग खाली तोड़ने के लिए यूज करते हैं अभी आज, खाली लोग कूदते हैं उसके ऊपर। तुम है ना कभी नहीं रहोगे तो मैं वो टेडी बेयर यूज करूंगा, तो तुम कैसे कोई दिन ही नहीं दिए। अरे लेकिन तुम नहीं थे, तुम कभी अकेला छोड़ो तो मेरे को तब तुमको मौका मिलेगा, तुम छोड़ोगे नहीं तो मौका कैसे मिलेगा। नहीं तो तुम ये सब छोड़ो, बट मेरे को बहुत ज्यादा याद आ रही है सुहान की, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मम्मी को फोन करके पूछ लेती की क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सो दैट यू नो अभी घर पर जाता है। मैं सुबह मैं बाहर निकलती ना, मैं कुछ भी चीज देखती तो मुझे समझता है ये ले लूँ जोहान के लिए, ये ले लूँ ये ले लूँ, पर अभी फिर याद आता कि वो तो बहुत छोटा, उसको पता ही नहीं कि सब क्या है। जोहान की तुमको खुद के लिए शॉपिंग, तुमको मजा आती शॉपिंग करने, तुम्हें को नेगेटिव क्यों दिखाना? जोहान के नाम पे खाली लूटम लाटी मचा रही है। सो सुफियान मैं जा रही हूँ तुमको फिर से छोड़ के। क्या करेंगे सामान इतना सारा है, लेके भी जाने लेके भी नहीं जा सकते, पार्किंग भी नहीं है, और प्लस मुझे जाना है अंदर 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 अंदर, बहुत सारी चीजें लेना है गाइस, सो लेट्स गो, बाय बाय। सामान इसको नहीं, तुम थक जाओगे। मैं थकूंगा नहीं, खाली हाथ में ग्रिप मिलनी चाहिए बस। गिराना नहीं, गिराना नहीं, ऊपर कांच का है। देखो ग्रिप अगर मिल रही होगी तो चलो साथ में मजा आएगी। ये ना डिक्की में डाल दो। नहीं हो पाएगा सूफी, अगर एक भी कांच टूटा ना रातों रात तुमको भेजूंगी लेने के लिए। ओ तुम तो बोले हेलमेट भी डालू। अच्छा सर पे डालूंगा बोले थे। तो फाइनली गाइस हम लोग ने स्वीट्स ले चुके भर के, और अभी और भी सामान लेना। सूफी तुमने तो बोले ग्रिप मिलेगी तो लेना पड़ेगा। महंगी ज्यादा खर्चा कर रहा हूँ। बड़ी थाली तो यार हाथ में भी नहीं आ रही है, एक तो वैसे मेरे हाथ में बहुत ज्यादा सामान है। हाँ ले लो ले लो। सर पे हेलमेट भी है, मैं हेलमेट पकड़ लेती हूँ ना, तुम क्यों पहन के रखे हो पागल? नहीं हेलमेट भी पहना मालूम, क्योंकि मेरे को बाल बनानी जरूरत नहीं पड़ेगी ना बार बार। अच्छा हाँ हाथ में सामान है ये, बार बार थोड़ा यू नो स्टाइल मारने के चक्कर में। चलो अभी अपने को कैंडल्स भी लेनी है, चलो जल्दी जल्दी। बाप बन के सुफियान को देखो कितनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। सुफियान कैसा लग रहा है तुमको बाप बन के? खुशी हो रही है, मैं लोगों को खुशियां बांटने वाला हूँ। यस यही तो बात सुननी थी मेरे को, बेचारा कितना सारा सामान लेके चल रहा है। तो गाइस हमारी आखिरी चीज बची थी बादाम पिस्ते, जो कि हम लोगों ने वो भी ले लिए। और कुछ? खजूर। और कुछ चाहिए कन्फर्म? क्या चाहिए? खजूर। क्यों खजूर कौन खाता है? अपने घर वालों के लिए। अच्छा ठीक है ले लो खजूर भी लो। ये वाले कड़क वाले कौन से वाले अच्छे रहते? कड़क वाले नरम वाले? तुमको देखो निदा अभी जितनी जगह है उतना लो, कड़क वाले नरम वाले जो तुमको समझ में आता है वो करो। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर पे। टीवी बंद करो, कहाँ है जोहान? ओह सॉरी सॉरी गाइस, हाथ मुंह धोना है, हाथ मुंह धोना है, चलो चलते हाथ मुंह धोते और फिर जोहान से मिलते हैं। तो गाइस फाइनली आ गए हम लोग यहाँ पर। तो डैडी का बेटा कौन है? जोहान। मस्ती खोर बेटा कौन है? जोहान। अल ले बेबी उठ रहे हो क्या बेबी? मम्मी को परेशान कर रहे हो? करना है मम्मी को परेशान, खाली आवाज करो बेटा, अपन दोनों मिलकर परेशान करेंगे। डैडी का बेटा कौन है? जोहान। गाइस बहुत ज्यादा याद है इसकी, कब ये बड़ा होगा और कब हम लोग तो साथ में शॉपिंग करने लेके जाएंगे, और ये वहाँ पे फरमाइश करेगा कि डैडी मुझे ये चाहिए मम्मी मुझे वो चाहिए। हाँ बेटा फरमाइश करोगे हैं? यहाँ खुली यहाँ खुली यहाँ खुली मौका सब। नानी को परेशान किया तुम? हाँ नानी को परेशान किया मम्मा तुमने? हाँ जोहान जोहान बेटा तेरे नाम पे बहुत लूट रही थी ये, जोहान को ये चाहिए जोहान को वो चाहिए, बहुत लूटी है बेटा इसने, इसकी बातों में नहीं आना। मम्मी अच्छा काम करते हैं, तुम विलन क्यों बनाते हो मम्मी को? हाँ जोहान तुम बड़े हो ना, अब मम्मी का साथ देना ठीक है, अब तुम हमारे व्लॉग के हीरो रहोगे, डैडी को भी विलन बना देंगे अपन, जैसे डैडी ने मम्मी को विलन बनाया ठीक है। हाँ मम्मा।
तो गाइज फाइनली मैं आ चुका हूँ मेरे घर पे सामान लेने के लिए। डब्बों वैसे देखो डब्बे लेके जा रहे हैं हम लोग बाइकों पे, क्या हालत हो जाती है ना, यहाँ से वो बाइक पे घूमने देखो ना। चलो गाइज फटाफट घर जाते हैं, इसको पैकिंग भी करना है और कल सबको बांटने भी जाना है, बहुत मजा आने वाली है। आप लोग पूरा व्लॉग एंड तक देखना, हम लोग कैसा डेकोरेट कर रहे हैं, क्या क्या भर रहे हैं उसके अंदर, सब आप लोगों को डिटेल में बताएंगे हम लोग। तो गाइज फाइनली हम लोगों ने सारे लोगों को कॉल लगा के पूछ लिया कल कल कौन कौन अवेलेबल है। तो गाइज 90% लोग कल अवेलेबल है, हम लोग मिलकर दे सकते हैं। और गाइज अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग सबसे मिले और सबकी वीडियो ले, सबका जो रिएक्शन है वो देखे, तो गाइज प्लीज कॉमेंट जरूर करना, हम लोग सबका रिएक्शन लेंगे। जो लोग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है उनको हम लोग कुरियर कर देंगे, तो उनका रिएक्शन हम नहीं ले पाएंगे, फिर भी हम कोशिश करेंगे, उनको कहेंगे कि आप खुद अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करके हमें भेजे। तो चलो निधा आर यू रेडी, पैकिंग चालू करते फटाक से, बहुत काम है यार हम लोग को सीरियसली। गाइस तो जोहान सो रहा है, बेबी एक आंख खुली है लेकिन उसकी, गाइस इतना शाणा है ये, माशाल्लाह इतना शाणा है ना गाइस, ये जहाँ हम लोग का सोने का टाइम आता है ये उठ जाता है, जहाँ हम लोग कुछ काम करते ये उठ जाता है, रोने लग जाता है, मतलब सब काम छोड़ो इसी को अटेंशन दो, ऐसा हो गया गाइस कसम से बता रहा हूँ, एकदम बाप पे गया और माँ पे गया, दोनों के गुण है इसके अंदर। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने है जो वो काम चालू कर चुके हैं, हमें लग रहा था कि गाइस इजी काम है, फटाफट हो जाएगा, खाली डब्बों में हमें पेपर भरना है, चॉकलेट रखना है, पोटलियां भरना है, लेकिन गाइस हमें अब मालूम पड़ा कि हमारा जो काम है वो कितना डिफिकल्ट हो गया है। हम लोगों ने गाइस जो वो मिठाई भरने का डब्बा लिया गाइस, वो हमने सोचे कि बहुत ईजी होगा, बट गाइस वो बहुत ज्यादा हार्ड है ये बनाना, गाइस ये लिटरली इतना हार्ड है ना कि मैं क्या बताऊं। सिर्फ और सिर्फ निदा के समझ में आया और निदा ही कर पा रही, तो हमने सोचे कि पूरे 50 के 50 डब्बे निदा ही बनाए अभी। हाँ निदा अकेले कर लोगे ना, दा तुमको ही करना पड़ेगा और कौन करेगा, क्योंकि ना मेरे को समझ में आ रहा ना तुम्हारी अम्मी को समझ में आ रहा, हम लोग दूसरे काम कर लेंगे, तब तक तुम ये कर लो, काम करो। आंटी यहाँ पर बादाम वादाम भर रहे पूरे, हम लोग की जिंदगी बादाम हो गई है गाइस, सच्ची बता रहा हूँ, पागल हो गए हम लोग, इतना मेहनत कर रहे हैं गाइस, इतनी मेहनत कर रहे हैं, रिएक्शन अच्छे ही देना। नहीं एक्चुअली इससे हम लोग हैम्पर्स बाहर से भी बनवा सकते थे, यस, और हम लोग को इतना हेक्टिक नहीं होता चीजें, पर हम लोग ने क्यों अपने हाथ से बनाने के लिए करी, क्योंकि हमारा पहला बेबी है, पहला लड़का है, तो हम लोग सबको अपना हैंडमेड देना, हैंडमेड देना चाहते गाइस, यस। तो प्लीज देखो इस ब्लॉग को कितनी मेहनत हुई हम लोग से। सो गाइज यहाँ पे सास और दामाद मिलके पैकेट्स भर रहे हैं पोटलीज, और दुआ दो, ये क्या खराब है, ये वाला ना पाउची खराब है, इसके लिए मैंने 10 एक्स्ट्रा ली, पाउची नहीं पाउच, पाउती खराब है बोलता है मम्मी, तेरी पाउती ढीली है, ड्राई फ्रूट का पूरा भर चुका है, yes. भर रहे हम लोग चॉकलेट, यस गाइस देख रहे हो पूरा घर मैस पड़ा है, फिर से पेस कंट्रोल कराना पड़ेगा, अभी पूरे भर दो चॉकलेट, हाँ हाँ भर दो भर दो, सोई थे ना, हाँ फाइनली सुफियान को भी आ गया है डब्बे बनाने, थैंक्स टू यू, योर वेलकम, कितने बना चुके अभी तक, अभी तक 4 बनाया 15 मिनट में, वाह, क्योंकि ये थोड़ा नाटक करता ना, 15 मिनट में नहीं मतलब 10 मिनट पकड़ लो लमसम तुम कुछ, चलो ठीक है जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, मम्मी बना रहे हैं बो वो। मम्मी आराम से, मम्मी गिनी चुने लाए हम लोग ने, एकदम कट टू कट है, जमाने हो गए ये सब कर करके छोड़ के, अभी तो तुम बोले कि मैं डब्बे कभी बनाई हूँ मेरी जिंदगी में, झूठी औरत, मैं डब्बे नहीं बनाई हूँ कभी, आंटी अपने को बना रहे फिलहाल, हाँ तुम अपने को ही बना रहे, कि मैं डब्बे नहीं बनाई, मेरे को शूटिंग में सब लड़के लोग बना के लगे, ओह माय गॉड असिस्टेंट, एंड नाउ यू डूइंग वही काम, नवासी के लिए कर रही हूँ बेटा, ये सारे काम मेरे असिस्टेंट करते थे शूटिंग के, वाह वाह। तो गाइस धीरे धीरे हम लोगों ने आंटी को भी टीम में ले लिए, अभी आंटी भी धनाधन बनाए जा रहे हैं, बहुत मेहनत लग रही है, अंकल खाली डायरेक्शन दे रहे हैं ऐसा करो वैसा करो, फिर अंकल बोले अंकल आप करके दिखाओ, वो खड़े रहे अपना एंटरटेनमेंट, हां अंकल को बोला आप करके दिखाओ, अंकल बोले मेरे से नहीं होगा, चलो फटाफट बनाते हैं, 50 डब्बे बने ना, अभी तक खाली 20 ही बने यार। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने जो है वो इतने सारे डब्बे यहाँ पे बना लिए 50 के 50, और बच गए हैं गाइस 2:45, अब बस हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा है, बाकी का काम हम लोग कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। तो गाइस आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, लव यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।